महाराज जी आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के लिए कहा है। वह तत्वदर्शी संत कौन है तथा उसकी पहचान क्या है? ये बड़ा गहरा और कुछ कुछ जटिल सा प्रश्न है। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सीधी प्रेरणा है इस श्लोक में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी महापुरुष का आश्रय ले। एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण सर्वज्ञान संपन्न हैं। तत्वदर्शी महापुरुष वो हैं जिन्होंने उस तत्व का साक्षात्कार लिया है। तत्व स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं लेकिन फिर भी एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा, गुरु परंपरा से ये ज्ञान मिलेगा। तो जो तत्वदर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्म तत्व सबके भीतर है, जो चेतन तत्व सबके भीतर है, जिसने उस तत्व से एक रूपता कर ली है, जो केवल जड़ता में नहीं जी रहा चेतना में जी रहा है, जो केवल बाहर के आकर्षणों में नहीं जी रहा अंदर उस ईश्वरीय भाव की प्रियता में जी रहा है, वही तत्वदर्शी है। जहाँ तक पहचान की बात है, पहचान तो जब हम किसी ऐसे महापुरुष के सन्निधि में होंगे तो स्वतः यदि हमारे मन की जिज्ञासा है तो उस महापुरुष का भाव हमें ईश्वरीय भाव की ओर प्रेरित करता हुआ दिखेगा। उस महापुरुष की सन्निधि से हमारे भीतर की बुराइयों का दमन होता दिखेगा, भीतर की अच्छाइयाँ प्रकट होती दिखेंगी और हमें भी लगेगा कि इस महापुरुष की स्थिति आनंद सहजता हमें भी उस दिव्यता की ओर उस तत्व की ओर आकर्षित करती हुई दिखेगी। पहचान तो सन्निधि से स्वतः होने लगती है। बाह्य रूप में हम कहें तो बाह्य रूप में लक्षण बाह्य वेशभूषा पहचान नहीं है, बाहर का कोई लक्षण पहचान नहीं है, पहचान तो अंदर की अवस्था ही है। जो गीता ने स्थित प्रज्ञा के रूप में कही कि संसार में रह रहा है लेकिन संसार की चाह नहीं है, संसार में रह रहा है लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सम रखे हुए है, जो मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट है प्रसन्न है, ऐसे ढेरों लक्षण गीता ने बताए। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है और साथ में ये कहा कि इसके सभी पार्ट को सभी विभागों को तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, जो इन सभी को बता देगा स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और ये तत्व ज्ञान स्वयं ही अपना बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवयम। ये देखिएगा ये श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ दसो अध्याय, ये 15वां अध्याय प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी
ये तम वेद स वेदवित, अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान पूर्ण पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अध्य शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत अनुवाद किया है। अध्य माने नीचे होता, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में पंद्रहवें अध्याय के में दो बार अध्य शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है, अध्य माने नीचे, अध्य माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्मानागढ़ाए रखे हैं इसने, प्रजापति माने। अब क्या है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अध्य शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना, छंद माने विभाग टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, देखिएगा ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र, ऊर्ध्व मूलम अध्य शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला, परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना, पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है, जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्व, अन्य ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर, तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योत निरंजन वाकी डार, इसको सर्पुरुष, सर्पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं, इसको डार समझो, सर्पुरुष सर्वब्रह्म अर्थात सर्पुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार, परमेश्वर ने पंद्रहवें अध्याय को गीता जी को के को इस एक ही अपनी अमृतवाणी के एक ही लोकोक्ति में, एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है पाते रूप संसार।